देखिए, मैं एन भारत के द्वारा आप सच्चाई के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियंस, नॉर्मल लोग धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि सही नहीं है। धर्म कभी किसी के साथ वैर विरोध सिखाता नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। धर्म की सही परिभाषा क्या है, क्या क्या बातें रामायण में दिखाई गई हैं, हिंदुओं के जीवन का जो आधार है वो रामायण है। तो मेरी युवा पीढ़ी से यही एक रिक्वेस्ट है कि आपके जीवन का जो हिंदुओं का संस्कार है, जो आधार है, वो रामायण है। उसे पढ़िए, उसे जानिए और अपने जीवन में वैल्यूज लेकर आइए और धर्म पे नाम पर बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आकर मत लड़िए और सभी धर्मों का आदर सम्मान करिए। ये हिंद साथियों, में बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं एन भारत। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं गगन मलिक, जो एक अभी नेता है और भगवान के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सीधा गगन जी के पास चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एन भारत पर। धन्यवाद सर। आप एक राम का भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राम की भूमिका है, ब्रह्मांड का भार हमारे कंधों पर है। जब ऐसा कोई भी किरदार आप निभाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके साथ आपके कंधों पर आ जाती हैं। और ये पहली बार नहीं है, ZTV रामायण में भी, संकट मोचन हनुमान में भी, लवकुश रामलीला में भी, अयोध्या में भी, सारी जगह राम का किरदार मैं निभा चुका हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बार मौका मिल रहा है बार बार निभाने का। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो बार बार करने की यही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसे दिखें, ताकि वो जान सकें, जो आने वाले यंगस्टर्स हैं, कि धर्म की सही परिभाषा क्या है, क्या क्या बातें रामायण में दिखाई गई हैं, हिंदुओं के जीवन का जो आधार है वो रामायण है। लेकिन अगर आज की आप युवा पीढ़ी से पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि शायद वो मेघनाथ या सुग्रीव या बाली या बहुत सारे सुबाहु मारीच, इनके बारे में कुछ आपको कुछ बता पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर वो बच्चे यहाँ पर आएँ, उन्हें देखें, तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएँ, जिसमें आज के युवा पीढ़ी के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई से भाई का प्यार क्या है, पिता पुत्र का प्यार क्या है, पति पत्नी का प्यार क्या है, एक नॉर्मल इंसान के कर्तव्य क्या हैं, यहाँ तक कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ें रामायण में, मतलब पूरा जीवन का जो सार है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उन्हें बेस्ट टू बेस्ट तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग अच्छे से सीख सकें। बहुत एक्साइटेड हैं हर बार की तरह, और कोशिश करेंगे कि इस बार भी इस रोल को जस्टिफाई करें। आज की दुनिया, उस टाइम का जो दुनिया का दौर था, दस्तूर था, उसमें और आज में आज क्या बदलाव है, क्या संदेश आप देते हैं, राम बने में कैसा फील करते हैं आप? देखिए कि वो उस समय का त्रेता युग की बात है, ये तो अभी कलयुग चल रहा है, तो बहुत सारे अंतर आ चुके हैं। टेक्निकली हम सब लोग बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ कर चुके हैं, लेकिन मेरा बार बार कहना ये है कि जो धर्म है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, वो हमेशा वैसे का वैसे ही रहेगा। उसमें कुछ अदाब बदलाव नहीं कर पाएंगे आप। कोई काम अच्छा है वो अच्छा रहेगा, कोई काम बुरा है वो बुरा ही रहेगा। चाहे टेक्निकली आप कितनी भी जीवन की बदलाव वर्ल्ड में आ जाए, कितनी तरक्कियाँ कर जाए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, टेक्निकल वैसा हो जाए, तो इस रामायण के द्वारा या रामलीला के द्वारा हम इंसान को पक्का करते हैं, उसके दिमाग को पक्का करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सही राह पर चल सके, उसे ये समझ में आ जाए कि एंड ऑफ द डे धर्म की ही जीत होगी और अधर्म की हमेशा हार होगी, मतलब सत्य की जीत पक्की है। इससे उस युग का और इस युग का और आने वाले जितने भी और युग होंगे, धर्म वैसा ही रहेगा। देखिए, एन भारत एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई और अच्छाई के साथ जुड़ा है। इसको लेकर आप कोई, अगर एन भारत के जरिए देश के युवाओं को, भारत के देशवासियों को कुछ संदेश अगर देना चाहे? देखिए, मैं एन भारत के द्वारा आप सच्चाई के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियंस, नॉर्मल लोग धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि सही नहीं है। धर्म कभी किसी के साथ वैर विरोध सिखाता नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मेरा मानना ये है, अगर कभी किसी ने आवाज़ उठानी है तो वो कोई, अगर सिस्टम गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। धर्म के नाम पर लोगों से लड़ना बंद कीजिए। आपको, आप किसी भी धर्म के हैं, आप आज कोई भी आपका धर्म है, वो कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं सिखाता, और सभी यही सिखाता है कि आपको सही राह पर चलना है, सत्य की राह पर चलना है, और जीत आपकी होगी, चाहे वो कोई भी धर्म है। तो मेरी युवा पीढ़ी से यही एक रिक्वेस्ट है
कि आपके जीवन का जो हिंदुओं का संस्कार है, जो आधार है, वो रामायण है, उसे पढ़िए, उसे जानिए और अपने जीवन में वैल्यूज़ लेकर आइए और धर्म पे नाम पर बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आकर मत लड़िए और सभी धर्मों का आदर सम्मान करिए। बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा मैसेज जो है गगन मलिक द्वारा दिया गया। वाकई अगर राम की भूमिका में, भगवान राम की भूमिका में गगन मलिक हैं तो मैसेज भी बिल्कुल उसी तरह है। धर्म कोई भी आपस में बैर नहीं सिखाता है, इनका मैसेज। मैं बिलाल राजपूत आपके साथ कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।